you're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stuff. गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गाइज, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था कि मेरी मम्मी और दीपंकर त्रिपुरा पे आ चुके हैं. सो हम लोग 2-3 दिन हो चुके हैं, वो लोग आ चुके हैं, तो हम लोग अभी तक कहीं पर घूमने नहीं गए हैं क्योंकि मेरे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी और यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है. डेली दोपहर 2 बजे से नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे तक यहाँ पे लॉकडाउन रहता है, तो ऐसा हम कहीं पर घूमने नहीं जा पा रहे हैं. सो फाइनली आज मेरी ऑफिस भी छुट्टी है और मैंने डिसाइड किया है आज थोड़ी सी यहाँ पर आसपास ही जो जगह है वो देखकर आएंगे. सो हम लोगों ने डिसाइड किया है आज हम लोग जाएंगे बांसग्राम. इस जगह के बारे में मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ और दीपंकर यहाँ पर आए हैं, उसको इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसको थोड़ा बहुत तो घुमाना पड़ेगा ना. तो चलिए अभी हम लोग निकलेंगे. सुबह सुबह निकल रहे हैं क्योंकि 2 बजे के पहले हम लोगों को वापस आना है. तो अभी बज रहे हैं 9:30. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिए और देखते रहिए. अभी हम लोग जा रहे हैं और बांसग्राम जो है यहाँ की जो आगरतला मेन सिटी है वहाँ से 36 किलोमीटर है, तो आपको ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा. तो चलिए आप लोग देखते रहिए. गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं. आप देख सकते हो ये जो है यहाँ का एंट्री गेट है, तो पहले आपको यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है. पर हेड आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ करके लगेगा. सो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप यहाँ पे घूमने आओगे तो आपको कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम वगैरह ना हो. ज़रूर आइए, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है. ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो बेम्बो के बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर है होम डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो है ना वो बेम्बो के चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है. तो यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें हैं जिससे आप अपना होम डिज़ाइन कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो. और गाइज यहाँ पर ना छोटे छोटे से कॉटेज है हर तरफ, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट क्यूट सा कॉटेज है. आप चाहो तो इसके अंदर नाइट स्टे कर सकते हो और नाइट में व्यू एंजॉय कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको 1 नाइट स्टे करने के लिए 2000 रुपीज़ पे करना पड़ता है. सो अभी हम फिलहाल इसके अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है हर नज़ारा, बिल्कुल नेचुरल है और सब कुछ बेम्बो से बनाया गया है. और आप देख सकते हो यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है. और गाइज आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हो तो आपको बुकिंग पहले से करनी पड़ती है, तो उसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या फिर चाहो तो यहाँ पे आके भी बुक करवा सकते हो. Thank you.
कैसा लग रहा है ये जगह? बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। वाह, इतना खूबसूरत होगा ये जगह, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था पार्क टाइप का होगा, पार्क टाइप का ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। जो लोग त्रिपुरा में हो उन लोगों को तो पता ही होगा, ये जगह देख ही चुके होंगे। बहुत खूबसूरत है ये जगह, और कितना हवा है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रबर प्लांटेशन भी होती है, और यहाँ पे एक एक छोटा सा इस तरीके से कटोरी दिया गया है जिसमें कि लेटेक्स जो होती है यहाँ पे आके जमा होती है। तो जैसे कि हमने कहा था, 15 मिनट के लिए हम लोगों को यहाँ पर एंट्री मिली है, तो 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं जल्दी जल्दी, लॉकडाउन की वजह से। इन लोगों ने हमें यहाँ पे ग्रीन टी और बिस्किट्स दिया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने सर्व किया है। और देन आप देख सकते हो यहाँ पे कोई प्लेट का यूज़ नहीं किया गया है, क्लैंप के अंदर आपको बिस्किट्स दिए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सिटी पहुँचने में हम लोगों को 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद हम लोगों को लंच भी करना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे दोपहर का लंच कर सकते हो, पहले से बुक करवाना पड़ता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये फैसिलिटीज़ जो है सारी बंद हो चुकी है। सो गाइज, फाइनली 1 घंटा बाद हम लोग अभी लंच करने आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है चिकन चाप और हिल्सा फिश है, जिसे बंगाली में कहते हैं शोरशो इलिश या फिर शोरशे इलिश, तो हम लोग इसे इंजॉय करेंगे। फाइनली अभी घर पे आ चुके हैं, और अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो या आज की ब्लॉग में यहीं पर ही एंड कर रही हूँ।
होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरी जो दूसरी चैनल है जहाँ पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, त्रिपुरा फूड एंड फैशन, उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय गाइज़।